हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी स्टडी नाउ चैप्टर नंबर 8, क्वाड्रिलेटरल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बेटा क्वेश्चन नंबर 1, द थ्री एंगल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा एमसीक्यूज, थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75। द फोर्थ एंगल, बेटा हमें इसका फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है। बेटा जब एक क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल ऑफ सम कितना होता है बेटा, 360। टोटल ये आपको थ्री एंगल्स दिए हुए हैं, ए बी सी, दैट इज मतलब थ्री एंगल्स आपको दिए हैं, फोर्थ वाला एंगल निकालना है। तो यदि हम टोटल तीनों का सम्स करते हैं, 75 75 150 और 150 प्लस 90 करते हैं तो 240। 240 को किस में से लेस देन कर दिया हमें बेटा, 360 में से, तो आपका फोर्थ वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा फोर्थ वाला एंगल, 120 डिग्री। तो इसमें आपसे पूछा था कि थ्री एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 75 90 एंड 75 द फोर्थ एंगल। तो फोर्थ एंगल क्या होगा, तो कौन सा होगा फोर्थ वाला एंगल बेटा, 120, बिकॉज वी नाउ दैट कि टोटल क्वाड्रिलेटरल एंगल ऑफ द सम 360। तो 3 के 3 को प्लस करके 360 में से माइनस किया, तो कौन सा ऑप्शन है इसका, डी। क्वेश्चन नंबर 2, ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन ऑफ साइड ऑफ द रेक्टेंगल्स एट 25 डिग्री, द एक्यूट एंगल इज बिटवीन द डायगोनल इज। हम इसका एंगल की डायगोनल की बिटवीन फाइंड आउट करने, तो बेटा कोई भी एंगल्स हो, यदि किसी एंगल में एक वन साइड एडिशन के साथ एंगल दिया है तो उसका एक्यूट एंगल्स जो बिटवीन डायगोनल एडिशन होता है वो उसका क्या होता है, ट्वाइस इज। जब ये 25 डिग्री है तो दैट इज उसका वो डबल्स होगा, तो वो कितना होगा बेटा, 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी इज ए रोम्बस है सच दैट एंगल ए सी बी 40 डिग्री है। जब एंगल ए सी बी आपका 40 डिग्री है और हमें ए डी बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी सी डी क्या होता है, एक रोम्बस आपको दिया हुआ है। यदि मैं ए बी सी डी एक रोम्बस बनाऊं और उसमें ए सी बी को 40 डिग्री ले रहा हूं, तो अदर ए डी बी की जब मैं वैल्यू कैलकुलेटेड करूंगा तो कितनी आ जाएगी। लेट मान लीजिए मैंने यहां पे कोई क्वाड्रिल रोम्बस बना दिया बेटा, ए बी सी डी और ए सी बी, यहां पे ए सी बी ये जो एंगल है ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है 40 डिग्री। जब ये 40 डिग्री दिया हुआ है और हमें ए डी बी फाइंड करना है, ए डी बी ये वाला फाइंड आउट करना है, तो इसके अंदर जब मैं एंगल फाइंड आउट करूंगा तो इसके अल्टरनेशन से निकालूंगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा, 50 डिग्री, बिकॉज क्योंकि ये इसके लिए बाइसेक्शन होगा। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा और ये दोनों कोरोटेटेड होगा, तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। द क्वाड्रिलेटरल फॉरवर्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, एक पी क्यू आर एस कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो टेक इन ऑर्डर इज ए रेक्टेंगल इफ, वो रेक्टेंगल किस पॉसिबिलिटी में होगा, जब पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल होगा, या पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम होगा, या डायगोनल ऑफ पी क्यू आर एस से परपेंडिकुलर होगा, या डायगोनल ऑफ पी क्यू आर एस आर इक्वल होगा। बेटा जब दोनों की डायगोनलेशन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे तब एक दूसरे के लिए 90 डिग्री रोटेटेड करेंगे, तो वो कब रोटेटेड होंगे, जब डायगोनल पी क्यू आर एस की क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, इसका सी। आपसे क्वेश्चन में कहा कि क्वाड्रिलेटरल फॉरवर्ड टू जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स टेक इन ऑर्डर इज ए रेक्टेंगल इफ, जब डायगोनल्स पी क्यू आर एस आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट द क्वाड्रिलेटरल फॉरवर्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स पी क्यू आर एस टेक इन ऑर्डर इज ए रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल हमें फॉरवर्ड करना है, द क्वाड्रिलेटरल्स फॉरवर्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस टेक इन ऑर्डर इज ए रोम्बस। जो क्वाड्रिलेटरल है उसके मिड पॉइंटों के लिए साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के लिए आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो रोम्बस की कंडीशन में, ये तो रेक्टेंगल की कंडीशन में पूछा था बेटा, जब रेक्टेंगल की कंडीशन होती है तो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, और जब रोम्बस की कंडीशन में तो आपस में क्या होगा, उनके जो डायगोनलेशन है पी क्यू आर एस के क्या होंगे बेटा, वहाँ पे इक्वल होंगे, तभी तो वो एक रोम्बस की कंडीशन में होगा, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपस में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एंगल्स ए बी सी एंड डी आर द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी टेक इन ऑर्डर ऑफ आर इन रेशो 3:7:6:4 देन ए बी सी डी से, जब ए बी सी डी किसी क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स हैं बेटा और उनको हम इस रेशो में ले रहे हैं, तो ये ए बी सी डी जो है किस तरह का कंडीशन में होगा, तो बेटा जब हम इसे एक लेट के से वेरिएबल से रोटेट करते हैं, ये 3 के एंगल हो गया, आलो एंगल ही 3 के हो गया, बी 7 के हो गया, सी 6 के हो गया, डी 4 के, इन सबको एडिट करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं, तो के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब के की वैल्यू फाइंड आउट करके उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो वो किस तरह का होगा, क्योंकि उसमें दो एंगल्स का सम कितना आ जाएगा आपका बेटा, जो एडजस्टमेंट है 180 डिग्री, तो आपस में वन पेयर अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरल, और जब वन अपोजिट साइड इज पैरल होंगी तो वो कैसा होगा, एक ट्रेपिज्म शेप होगी, क्यों,
क्योंकि जब ये 3K, 7K, 6K, 4K ले रहे हैं तो उनमें से कोई टू एंगल्स हैं जिनका सम आफ्टर ऑल पेयरमेंट में कितना आ रहा है आपका 180। तो किसी भी कॉर्डिलेशन में यदि वन एडजस्टमेंट साइड का सम्स 180 डिग्री है तो दिस इज लाइन ऑफ ट्रेपेज़ियम, क्योंकि उसमें ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट टू क्या है पैरेलल। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो ए बी सी डी शेप है जिसमें ये रेशियो दिया हुआ है इस तरह का जो कॉर्डिलेटर वो किस शेप में होगा, ट्रेपेज़ियम की शेप में होगा बेटा। इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए एंड बी ऑफ ए कॉर्डिलेटर ए बी सी डी इंटरसेक्ट द इच अदर एट पॉइंट पी ऑफ वी एंड सी एट क्यू ऑफ एंगल सी एंड डी एट आर एंड ऑफ एंगल डी एंड ए एट एस देन पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेलोग्राम या क्वाड्रिलेटरल्स हुज अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। बेटा क्वेश्चन में कहा है कि यदि ए और बी कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी के लिए आप उसके इंटरसेक्टेड एट ऑफ पी और पी के बी सी और क्यू के लिए सी और डी आर के लिए आप रोटेटेड कर रहे हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैं पहले प्रीवियस क्लासेज में आपको पढ़ा भी चुका हूँ, जितनी मैंने ओनली ऑनलाइन क्लासेज दी है उसमें मैंने ये रिजल्ट आपको सोल्व करके भी दिखाया हुआ है। ये आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल है जिसमें आपने प्रूव किया था कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आर आपस में क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, डी, इसका डी ऑप्शन बेटा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो यहाँ पे ए पी बी सी क्यू डी आर टू पैरेलल लाइंस हैं, देन वे एक दूसरे पे बाइसेक्टर कर रही है जब इन एंगल्स पे, तो वे किस फॉर्म में होंगे, एक स्क्वायर की शेप में, रोम्बस शेप में, रेक्टेंगल की शेप में या एनी अदर पैरेलोग्राम की शेप में। जब ये कोई टू लाइन है जो पैरेलल लाइन है और एक दूसरे को जब बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे से, तो आप खुद देख सकते हैं क्योंकि वे बेटा स्क्वायर की शेप में तो नहीं हो सकती ना रोम्बस में, तो किस शेप में होंगी वे एक दूसरे की, रेक्टेंगल की शेप में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें बेटा, इसका सी। क्वेश्चन नंबर 9, द फिगर ऑब्टेन बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज टेकन इन ऑर्डर। यदि आप कोई भी रोम्बस ले रहे हैं उसके मिड पॉइंट को जॉइन करते हैं तो उससे जनरेटेड जो फिगर होगी वो कैसी होगी, एक रोम्बस ही होगी या रेक्टेंगल होगी या स्क्वायर होगी या एनी पैरेललोग्राम होगी, तो कैसी शेप होगी बेटा, एक रेक्टेंगल शेप होती है। ये ऑलरेडी आपने प्रूव किया है, ये आपने अपनी एक्सरसाइज 8.1 में आपने प्रूव किया हुआ है कि यदि कोई भी रोम्बस है रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक रेक्टेंगल शेप जनरेटेड होती है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रेंगल की यदि डी और ई मिड पॉइंट लेते हैं ऑफ एनी पॉइंट ऑफ साइड ऑफ बी सी के लिए, तो ओ इज द जॉइनिंग ऑफ पॉइंट ए, इफ द पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी एंड ओ सी रेस्पेक्टली, तो डी ई क्यू बी क्या होगा, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल्स या रोम्बस या पैरेलोग्राम, तो क्या होगा बेटा, एक पैरेलोग्राम शेप। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके और भी क्वेश्चन इसमें यहाँ दिए हुए हैं। नेक्स्ट द इन फिगर ऑफ दैट इज अ पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर टू द स्क्वायर ओनली इफ, जब एक फिगर है और वो जॉइनिंग टू मिड पॉइंट ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इसको करे तो उसमें स्क्वायर के लिए अंदर, तो वो किस कंडीशन में होगा बेटा, तो उसकी जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी, द डायगोनल ऑफ ए बी सी डी आर इक्वल्स या ए बी सी डी इज ए रोम्बस या ए बी सी डी आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। और जब ये कोई भी क्वेश्चन स्क्वायर में होते हैं तो डायगोनलेशन क्या करते हैं, इक्वल भी होंगे और उसके परपेंडिकुलर, तो कौन सा राइटेशन होगा बेटा, सी। नेक्स्ट डायगोनल द डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए पैरेलोग्राम ए बी सी डी के लिए इंटरसेक्ट इच अदर एट द पॉइंट ऑफ ओ इफ एंगल डी ए सी इक्वल टू 32 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी 70 डिग्री देन एंगल डी बी सी इज इक्वल टू। जब ये टू डायगोनल्स हैं पैरेलोग्राम के ए बी सी डी के लिए और एक दूसरे को इंटरसेक्ट ओ पॉइंट पे कर रहे हैं, ये 32 है बेटा। अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चंस आपको सोल्व कराए, जब दो एंगल हैं एक दूसरे के लिए एक 32 और इतने पे रोटेट करें, डी बी सी की वैल्यू को जब हम कैलकुलेटेड करेंगे तो डी बी सी की वैल्यू कैलकुलेटेड होने के बाद इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ए पैरेलोग्राम, पैरेलोग्राम के लिए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है, नॉट ट्रू है, दैट इज मतलब फॉल्स है, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल्स या डायगोनल बाइसेक्ट टू इच अदर, बाय अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्ट बाय द डायगोनल्स वाले स्टेटमेंट आपका क्या है, रोंग है। नेक्स्ट डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी द रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, डी इज द प्रोड्यूस ऑफ टू एफ, टू प्रूव दैट द सी एफ इज इक्वल टू पैरल टू डी ए वी नीड एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज, इनमें से कौन सी वो इन्फॉर्मेशन है जो इस स्टेटमेंट के लिए रोंग है। डी जब डी और ई आर मिड पॉइंट हो साइड ए बी और ए सी के ट्रेंगल ए बी सी में और डी लाइन को प्रोड्यूस करा जाए एफ तक, तो स्टेटमेंट सी एफ इक्वल टू पैरल डी ए के यदि कर रहे हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कौन सा स्टेटमेंट, एंगल डी ए ई एफ सी के इक्वल होगा, ए ई ई एफ के या ए डी ई सी एफ के या डी ई एफ के, बेटा दोनों जब एंगल को रोटेशन करते हैं तो इनमें से कौन सा सी स्टेटमेंट ऐसा है जो इनमें एग्जिस्ट नहीं होगा,
ओके तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को आपको स्टडी कर लेना है। ओके बेस्ट ऑफ लक।